नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले चरण का आगाज। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से मांगा सहयोग। राजस्थान और पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। राजस्थान में अजमेर और अलवर के लोकसभा सीट और मंगलगढ़ विधानसभा सीट के लिए हो रहा है मतदान। पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया लोकसभा सीट के लिए वोटिंग जारी। 1 फरवरी को आएंगे नतीजे। यूपी के कासगंज में नहीं थम रही हिंसा। बीती रात 3 जगहों पर हुई आगजनी। 2 घर और 1 दुकान में लगाई गई आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई उपद्रवियों की तस्वीरें। दिल्ली के अयोग्य विधायकों की सदस्यता पर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर लगाया था स्टे। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अपनी ही सरकार पर हमला। कहा योगी सरकार में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ा। पुलिस पर लगाया पहले से 10 गुना घूस लेने का आरोप। दिल्ली में सीलिंग के मामले में आज आम आदमी पार्टी का संसद मार्च। कन्वर्जन चार्ज को लेकर केंद्र पर बनाएंगे दबाव। पाकिस्तान ने नौशेरा में फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में 1 जवान जख्मी। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। आज विजय चौक पर होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। आर्मी के 32 बैंड लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। समारोह में भारतीय धुनों पर रहेगा जोर। काबुल में 3 दिनों में दूसरा आतंकी हमला। आतंकियों ने काबुल के मिलिट्री यूनिवर्सिटी को बनाया निशाना। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों के मारे जाने की खबर। 1 गिरफ्तार। और आर्थिक सर्वे से पहले नई ऊंचाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में 250 अंकों की बढ़त। निफ्टी 11,114 पर कर रहा है कारोबार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।